बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट होम अब आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली सिक्सटीन लेक्चर नंबर सिक्सटीन है बट अपने लेक्चर नंबर सिक्सटीन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ आपकी अटेंडेंस के हवाले से क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है अटेंडेंस के सिलसिले में सो यू शुड हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी कच्चर अटेंड करते हो आपको उसकी अटेंडेंस पुट करनी होती है और ये अटेंडेंस पुट करना बहुत इजी ईजी है आपके लिए जब आप वीडियो सुन लेते हैं तो उसके एंड में कमेंट सेक्शन होता है कमेंट सेक्शन में जाके आप जब ओपन करते हो कमेंट सेक्शन तो एक लिंक आ जाता है जब आप उस लिंक को प्रेस करते हो तो फिर इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है अटेंडेंस शीट बायोलॉजी अब चूंकि वीक थ्री जा रहा है तो वीक uh, थ्री लिखा हुआ है तो इसमें जो है अब आपने क्या करना है अब आपने यहाँ स्टूडेंट नेम की जगह पर अपना नाम लिख देना है उसके बाद कालेज रोल नंबर की जगह पर अपना अपने रोल नंबर बुट करना है नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पे आपने जिस टॉपिक की अटेंडेंस लगानी है उसको आप क्लिक करेंगे अब उसके बाद आप सबमिट वाला जो बटन है उसे प्रेस करेंगे इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो अटेंडेंस है वो आगे चली जाएगी और आपकी जो टीचर हैं उसे अपने रजिस्टर में पोर्ट कर देंगी तो इस तरह से आप भी शो हो जाओगे कि आपकी भी अटेंडेंस कर गई है और टीचर के पास भी रिकॉर्ड आ जाएगा अब नेक्स्ट जब आप इसी पेज के ऊपर करते हो तो ये पेज आ जाता है कि सबमिट अनादर रिस्पॉन्स बाजूगात ये होता है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा लेक्चर्स एक ही टाइम में देखते हैं या उससे भी ज़्यादा जैसे तीन लेक्चर आप एक ही टाइम में देख रहे हो तो आपको अब आप, आपने जब ए, एक अटेंडेंस का गई तो उसके बाद आप दूसरे भी अटेंडेंस का गा सकते हो जब आप इस आइकन को क्लिक करोगे सबमिट अन अदर रिस्पॉन्स दैन ये पेज अगेन ओपन होगा फिर यहाँ पे आपने वैसे ही जैसे अभी आपको प्रोसीजर बताया है उसके तहत आपने अटेंडेंस लगानी है आई थिंक आपको कुछ ना कुछ हद तक ये चीज़ें क्लेरिफाई हो गई होंगी अगर नहीं हुई तो वीडियो को फिर से स्टार्ट से देख लीजिएगा नाउ मूव टूअर्ड्स टॉपिक ऑफ टूडे दैट इज ले नंबर सिक्सटीन इसमें हमने जो अपना टॉपिक स्टडी करने है, हैं बेसिक दो टॉपिक हैं और जो फर्स्ट वन टॉपिक है अभी उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोको मोशन एंड सकेटन इन वक्टिड्स अब गोको मोशन एंड सकेटन इन वक्टिवेड्स जो है फिर इसके हमारे पास पांच सब टॉपिक्स हैं स्विमिंग इन फिशिज़ वो मोशन इन एम्फीबियंस वो मोशन इन रेप्टाइल्स वो मोशन इन बर्ड्स एंड वो मोशन इन मीनमल्स ये पाँच जो है बेटा इनके सब टॉपिक्स हैं अब उसके बाद जो दूसरा मेजर टॉपिक है वो हमारे पास है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड द रिगेटेड ऑफ वो मोशन इन वर्टिब्रेट्स सो फर्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं दैट इज स्विमिंग इन फिशेस। अब स्विमिंग इन फिशेस जो है इसमें जो है अब देखते हैं हम कौन कौन से अडेप्टशन हैं फिशेस में फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देख लेते हैं <coughs> सो एडाप्टेन इन फिशेज में देखें जो पहली अडाप्टेसन है दैट इज़ बॉडी शेप यानी कि फिशेज की जो बॉडी शेप है वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ईजीली रह सके। बिकॉज यू नो एक्वाटिक एक्वैटिक इकोसिस्टम इज मोर डेंसर दैन एयर सो दैट्स वाई द मूवमेंट द सर्वाइवर द वर्को मोशन विकम मोर डिफिकल्ट फॉर द एनिमल्सू लिव इन वाटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बॉडी शेप में देखें तो स्ट्रीम गाइंड बॉडी टेपक डाइट बोथ हैंड्स स्ट्रीम गाइंड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कि शेप होती है एगो की तरह होती है बॉडी यानी कि इसका जो फर्स्ट एंड होता है हेड जिसे हम कहते हैं वो प्रोजेक्टेड होता है किसी भी इन्वामेंट में मूव करने के उसकी शेप इस तरह से होती है कि वो रेजिस्टेंस को कट करता है टेपक डाइट बोथ हैंड्स टेपक डाइट बोथ हैंड्स एक ऐसी बॉडी जिसकी दोनों साइड पे ही नोक नोके हूँ उनको उस बॉडी को हम कहते हैं टैपरिंग बॉडी नेक्स्ट है जी म्यूकस गैंट्स एंड ऑयगैंड ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उन्हें रहना ही एक्वेटिक इको में है तो इसकी वजह से उनकी ऐसी अडपटेशन्स होनी चाहिए बॉडी के अंदर कि उनकी स्किन जो है वो ईच एंड एवरी मूवमेंट मोइस रह सकें So, these glands keep the skin moist by their secretion and reduce friction between fish and water. Mucus gland join beta, ye secretion secrete out that is known as mucus. And oil gland secretus secretion, that is known as oil. Both the secretions help in moistening the skin. Next, third one adaptation is swim bladder swim is a structure that helps in maintaining buoyancy in bony fishes this is actually the structure of bony fishes and it helps in maintaining buoyancy buoyancy means balance of the body next adaptation is projections of the body projections जो प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं फिशेस में वो बेसिकली फिन्स ही होते हैं यूजली और कोई ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर हमने स्पाइंस भी होते हैं कुछ फिशेस में लेकिन वो भी एक्चुअली वे स्पाइंस जो हैं वो भी मॉडिफाइड फिन्स ही होते हैं सो सेवरल प्रोजेक्शंस ऑफ द बॉडी लाइक फिंस प्रोवाइड मोर परफेक्शन टू द स्ट्रीम गाइंड शेप ऑफ द बॉडी तो टाइप्स ऑफ फिन अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं अनपेयर्ड फिन पेयर्ड फिन और कॉडक फिन अनपेयर्ड फ जो हैं ये बेटा सिंगल होते हैं और इनके जो हमारे पास टाइप्स हैं वो हैं डॉक्टर एंड वेंटका दे हेल्प टू स्टेबिलाइज द फिश ये फिश को स्टेबिलाइज करने में हेल्प करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वह हैं पेयर्ड फिंस पेयर्ड फिनस की दो टाइप हैं पैगविक एंड पेक्टोर फिन दीज आर यूज फॉर स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल्स अब उससे नेक्स्ट जो हमारे पास हैं कॉडक फिंस कॉडल फिन्स जो हैं ये भी सिंगल होते हैं और एंड पे टेग पे मौजूद होते हैं कॉडल एक्चुअली इसका मतलब ही टेग होता है कॉडेटम सेन्स टेग सो दिसको हम टेग फिन भी कहते हैं एंड इसका ये काम है कि इट हेल्प्स इन फॉर्वर्ड मूवमेंट इन कोआर्डीनेशन विद पेयर फिन पेयर्ड फिंस जो है ये

तो ये जो वोकोमोशन है ये बेटा हमें नजर आती है सेगमेंडल्स में और न्यूट्स में जो कि एक्चुअली टेग एम्फीबियन भी कहलाते हैं तो इसमें ये भी ख़ास किस्म के मसल्स के थ्रू अचीव की जाती है अब है जी स्विमिंग एंड जंपिंग स्विमिंग एंड जंपिंग विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंसव मसल्स लाइक एनजूवान्स एनजूवान्स जो हैं ये टेक्स एम्फीबियंस है अब इनमें जो स्विमिंग एंड जंपिंग हैं ये दोनों ही किस मसल्स के थ्रू होती हैं एक्सटेंसर मसल्स के थ्रू होती हैं नेक्स्ट टाइम आपके पास वॉकिंग एंड होपिंग ऑफ एन्यूंस ऑन लैंड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स ठीक है तो ये जो मॉड ऑफ वर्क मोशन हैं वॉकिंग एंड होपिंग इनमें कौन से मसल्स हेल्प करते हैं हाइंड लिम्स जो हैं उनके मसल्स में हेल्प करते हैं नेक्स्ट हमारे पास एच को मोशन इन गेपटाइज अब गेपटाइज वो वर्टिब्रेट्स हैं जो कि यूजली गैड पे रहते हैं कुछ इनके मेंबर्स हैं जैसे कि वाटर स्नेक्स हैं गेटक्स हैं वो पानी में रहते हैं बाकी इनके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर वो खुश्की पे ही रहते हैं तो इसी वजह से इनमें जो एडाप्टेशन है वो ज़्यादा मॉडिफाइड हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस एम्फीबियंस का ये होता है कि वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट पानी में गुजारते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो अपना हम कह सकते हैं कि एक्यूट उसमें खुश्की में नहीं गुजारते वो मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना जो है ना उनको आ, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है तो मॉइस्ट प्लेसेस पे ही रहते हैं बट कैप्टाइस जो हैं ये टोटली लैंड हैबिटेट में रहते हैं तो इस वजह से इनके अंदर मॉडिफिकेशनस भी ऐसी होती हैं सो रेप्टाइल्स मूव बैटर दैन एम्फीबियंस ड्यू टू एवोशन ऑफ सकेटन ये उनके कुछ फीचर्स हैं नेक्स्ट है जी एपटाइज यूज मैथड्स ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग नेक्स्ट फीचर इज देअ सकेटन इज हाईली ऑसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेटर स्पोर्ट ऑसीफाइड मीन्स बोनी इनका जो सकेप्टन होता है वो ज़्यादा बोनी होता है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस के नेक्स्ट फीचर ये है कि कैप्टा है सर्वीक वक्त टिप गई द फर्स्ट टू आर एटरस एंड एक्सेस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड, द एक्सेस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट नेक्स्ट फीचर ये है कि दिब्स ऑफ हैव मस्कुलर कनेक्शन टू गाग बैरिस्स टू एड प्रोकोमोशन तो ये इनकी कुछ फीचर्स हैं रेप्टाइल्स की प्रोकोमोशन की नेक्स्ट जो है अब हमारे पास है मोशन इन एयर यानी आगे को मोशन इन बाग्स यानी कि बाग्स में जो मोशन होती है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं सो फर्स्ट ऑफ वी विल डिस्कस मॉडिफिकेशन इन द दैटन ऑफ बर्ड्स फॉर फ्लाइट सो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है बोन्स विद द गार्ज एयर स्पेसिस विच मेक्स दम गाइटर देखिए बेटा कोई भी कोई भी हम कह सकते हैं चीज़ है उसे अगर एयर में मूव करना है तो पहली शर्त पहली कंडीशन ये होती है कि उसका वेट जो है बहुत कम होना चाहिए इट शुड बी गाइट इन वेट सो so, इस वेट को गाइड करने के लिए नेचर ने क्या क्या एडेप्टन बर्ड्स में क्रिएट किए हैं तो फर्स्ट तो ये है कि उनके अंदर एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से एयर फिल हो जाती है उनकी बोन्स में बिकॉज देयर बोन्स आर हर और इसकी वजह से उनको मूवमेंट में एयर में हेल्प मिलती है नेक्स्ट है द फो विम्स इवाल्व इन टू विंग्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स अब इनके जो पैक्टोर गर्गड्स हैं या फोर विम्स हैं वो मॉडिफाइड होकर विंग्स बन जाते हैं जिनके हम कह सकते हैं कि इनके पैक्टोर गर्गड के साथ जब फिडर्स अटैच होते हैं और ये विंग्स जो हैं ये इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट इन द एयर में नेक्स्ट है दोडिफाइड की स्टर्नम या जिसे हम सीने की हड्डी भी कहते हैं इनकी जो स्टर्नम होती है वो एक नुकीली सी हड्डी बन जाती है जिसको हम कील कहते हैं और ये एक ऐसी मॉडिफाइड बोन है जिसके साथ मसल अटैचमेंट जो है वो बहुत इजी हो जाता है और इनके मसल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से ये एयर रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास है जी रोको मोशन इन एयर के जो नेक्स्ट फीचर्स हैं द बॉडी इज कवर्ड विद फीजर्स विच प्रोवाइड अ राग्ज सर्फेस एरिया टू कीप द बर्ग्स इन एयर अब इनके बॉडी के ऊपर फीजर की एक कवरिंग तो का होना जिसकी वजह से सफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एयर रिजिस्टेंस को या एयर प्रेशर को बर्दाश्त करने में तो दिस इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन नेक्स्ट है बॉडी इज केप्ट वार्म टू प्रोवाइड सफिशेंट इनर्जी फॉर फ्राइट जितनी ज़्यादा इनकी बॉडी जो है वो वार्म रहेगी हीट रहेगी उतनी ज़्यादा इनर्जी जनरेशन होगी इनकी बॉडी के अंदर और उतनी ज्यादा ये एक्टिव रह सकेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम गाइंड बॉडी टू कट थ्रू एयर इनकी भी बॉडी जो है वो स्ट्रीम गाइंड होती है जो आगे बीक होती है वैन दे फ्लाई वो बीक जो प्रोजेक्टेड होती है एयर में इसकी इसके पीछे ये रीजन है कि इनकी जो शेप है वो स्ट्रीम ग्राइंड हो जाए स्ट्रीम ग्राइंड शेप जो है वो रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर देती है अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लाइट किस किस टाइप्स की फ्लाइट जो है वो बर्ड्स में होती हैं तो एक इसमें है पैसिव फ्लाइट और दूसरी है एक्टिव फ्लाइट पैसिव कहते हैं सुस्त को तो पैसिव फ्लाइट एक ऐसी टाइप की फ्लाइट है जिसमें बर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती और दूसरी एक्टिव फ्लाइट है इसमें बर्ड्स की एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं देखें जी फर्स्ट वन इज पैसिव फ्लाइट दिस इज एक्चुअली ग्लाइडिंग फ्लाइट इन विच विंग्स ऑफ बर्ड्स एक्ट एंड बर्ड्स फ्लाई ड्यू टू एयर प्रेशर अप्लाइड ऑन विंग्स एंड वेरी रिटर एनर्जी ऑफ बर्ड इज कंज्यूम अब ये एक्चुअली क्या है ग्राइडिंग मूवमेंट है यानी कि मैन बर्ड हैव टू मूव डाउन बर्ड तो अब इसमें बर्ड की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जो उसे नीचे की तरफ खींचेगी तो ऐसी फ्लाइट को हम क्या कहते हैं पैसे फ्लाइट कहते हैं एक्टिव फ्लाइट एक ऐसी फ्लाइट होती है जिसमें बर्ड की एनर्जी इन्वॉल्व होती है दिस इज फ्लैपिंग मूवमेंट ऑफ विंग्स एज बर्ड्स मूव थ्रू द एयर द एयर फोर्स मूव क्विकली ओवर द कर्व्ड सरफेस देन गोवर और इसकी ये भी है कि एक्टिव फ्लाइट तब करता है बर्ड व्हेन इट हैज टू मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर जब वो एयर के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करता है तो वो एक्टिव फ्लाइट होती है नेक्स्ट है जी लास्ट वन सब टॉपिक है इस समारे मेजर टॉपिक का वो को मोशन इन मेमल्स मेमल्स बेसिकली थ्री टाइप के होते हैं ऑन द बेस ऑफो मोशन प्वेंटी ग्रेड डिजिटी ग्रेड एंड उन्टी ग्रेड फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं प्वेंटी ग्रेड को द एनिमल्स वॉक ऑन दियर शोज विथ पाम रिस्ट एंड डी जेट्स अब इसमें यह है कि ऐसे एनिमल जो कि अपने कंप्लीट शो पे चलते हैं यानी कि उनका कोई भी स्ट्रक्चर है वो हाथ है या पाँव है अब हम एनिमल्स में उसे हाथ और पाँव तो नहीं कहते हम उनके फोर गेम्स और हाइंड गेम्स ही कहते हैं सो फोर गेम्स या हाइंड गेम्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट टच करता है ग्राउंड को उसके पाम रिस्ट और डिजिट्स जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट उसके सारे स्ट्रक्चर ज़मीन को टच करते हैं तो ये जो मूवमेंट है इसको हम इसमें ये मॉड है इनमें हम कहते हैं प्रैक्टिकर्ड और इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जी मैन एप्स एंड बेयर और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है डिजिटिके ऐसे एनिमल हैं जो अपने डिजिट्स पे यानी कि पाओ की फिंगर्स आ, को ही जस्ट टच करते हैं मैन द वॉक दे कैन रन फास्टर देन पटीगेट डेफिनेटली क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिजिट्स को टच करना होता है पूरी पाम को नहीं टच करना होता जस्ट डिजिट्स टच करते हैं सो दैट्स वाई दे कैन मूव फास्टर देन पगेंटीगेट फॉर एग्जाम्पल रैबिट्स एंड वार्डेंट्स वार्डेंट्स कहते हैं कुतरने वाले जानवरों को जैसे कि चूहा हो गया माइस रैब्स उनको द एनिमल्स वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टोज मॉडिफाइड इन टूफ ऐसे एनिमल जो कि अपनी टिप्स ऑफ टोज पे चलते हैं आ, उनको हम कहते हैं कहते हैं बेटा तो टू सुम जैसे कि आपको होफ्स में नजर आता है इट इज़ द मोस्ट स्विफ्ट टाइप ऑफ वर्कोमोशन लाइक दैट डियर एंड गोट अब जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड मेजर टॉपिक है वो है चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिगेटेड मार्ड्स ऑफ कमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वक्टि देखिए आग वक्टिड अ कामन बॉडी पेन एंड है सेम एक्चुअली आपके बुक का ही पेज मैंने यहाँ पर लगाया ये थोड़ा सा कम्प्लीकेटेड टॉपिक था सो so, मुझे यही सही लगा कि मैं आपके बुक का ही यहाँ पर पे पेज लगाऊँ और उसकी जो वर्डिंग्स uh, हैं वो आपको बेटर uh, अंडरस्टैंड हो सके वेन यू रीड दिस टॉपिक सो so, देखें जी आर वक्टिब्रेड्स है कॉमन बॉडी पेन एंड हैव स्केटन फॉर्म्ड ऑफ द सेम बेसिक पार्ट्स बट देर आर मैनी डिफ्रेंसेस सो ये सेंटेंस कहता है कि जो भी वक्टिब्रेड्स हैं उनके बॉडी पेन तो एक जैसे हैं लेकिन उनके जो सकेटन और उनके स्कैक्टन के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो भी सेम हैं जैसे कि मैन है या होस है उनके आ, जो भी गर्ड्स हैं पैक्टोर गर्डस उसमें बोन्स एक जैसी हैं सिर्फ उनकी अरेंजमेंट का डिफरेंस है उनकी लेंथ का डिफरेंस है इस वजह से डिफरेंट मॉड्स जो हैं वो अचीव हो जाते हैं नेक्स्ट सम ऑफ समीज कैन बी रिगेटेड टू चेंजेस इन हैबिटेट फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट एंड वो को मोशन इन सी रिक्वायर्स एडाप्टशन विच डिफर फ्राम दोज ऑन लैंड और इन द एयर यानी कि डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट वक्टीब्रेट किस टाइप के हैबिटेट में रहता है उसी टाइप के अकॉर्डिंग उनकी बोन्स में चेंजेस आ जाती हैं उनकी गंथ में इजाफा हो जाता है या उनकी गलत में इजाफा हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट मोस्ट फिशेज आर प्रोपैक्वर्ड बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन विच पास एंग द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग एस बैंडो मोशन यानी कि जो फिशज हैं उनके मसल्स और उनकी बोन्स की इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि वो स्पाइगर शेप में या एस बैंड गो को मोशन कर सकें आल्टरनेट कॉन्ट्रक्शन ऑन बोथ साइड प्रोड्यूस रास्टिंग मूवमेंट्स रैशिंग मूवमेंट सॉरी ऑक्टरनेट को मोशन ऑन बोथ साइड प्रोड्यूस रैशिंग मूवमेंट्स विच ड्राइव द फिश फॉरवर्ड थ्रू द वाटर दिस टाइप ऑफ मोशन इज सीन इन इनटिनियस फिशज इक डॉग फिश एंड शार्कस तो वो कहते हैं रैशिंग मूवमेंट जो है ये किसमें देखी जाती है डॉग फिश में और शार्क में क्योंकि उनके जो फिन्स होते हैं वो ऐसे फीजल की तरह एडाप्रेशन दर्ज होती है देट्स वाई उनकी मूवमेंट को हमने रैशिंग मूवमेंट कहा नेक्स्ट है जी मोस्ट ग्रैंड वर्क नूविंग मूविंग टर्ड्स द टेटका पोर्ट्स अब हम टेटका पोर्ट्स की तरफ से की तरफ आ गए मोस्ट ग्रैंड वर्को इन फोक फोर्टिड एमफीबियंस एंडगज फ्राम द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड द एस इज रिटेन पार्ट ऑफ द बॉडी अब यहाँ पे टेटराबोर्स वो होते हैं जो कि फोर फुटेड एनिमल हैं उनके बॉडी के साइड से गेग से राइज होती हैं गर्डर्स एंड रिम्स ऑफ टेटराबोर्ड्स शो करेर कटोगीज इन फंडामेंटल स्ट्रक्चर गर्डल दो टाइप के होते हैं पेक्टोर गर्गडर और पैरविक गर्डर वैक्टोरियर गर्दक जो हैं ये यूजली अगर हम अपनी एग्जांपल रहें ह्यूमन बींग की तो वैक्टोरियर गर्दक बेटा हमारे हाथ हैं और जो हमारे बाजू हैं इसको हम फोर फोरेम्प कहते हैं और जो हमारी टांगे हैं ये हमारे हाइंड रेम्प हैं और जो हमारे पाँव हैं ये हमारे पैगवे गर्दक में आ जाते हैं तो इस तरह से आ, ये दो टाइप के गर्द जो हैं होते हैं नेक्स्ट है द टेटका पोर्स पैगवे इज़ यूनाइटेड फर्मरी टू द सेकुलर रीजन ऑफ द वटिव काम अब यहाँ पे सेकुलर रीजन जहाँ पे बोन होती है सेकलम वहाँ पे ये मौजूद होते हैं इट इज़ कंपोज ऑन ईच साइड ऑफ थ्री कार्टिकजनियस बोन्स इलियम इसियम एंड प्यूबस ये जो सेकगा रीजन है जहाँ पे सेकगम बोन होती है वहाँ पे तीन बोन्स का फ्यूजन होता है जिसको हम कहते हैं एरियम इसम और ट्यूबस ये बोन्स यहाँ पे यूनाइट होती हैं वहाँ पे एक दरमियान में एक ओपनिंग सी एराइज होती है दैट इज नोन एज डिप्रेशन द एसिटेबोगम एक खाली जगह बन जाती है एक डिप्रेशन बन जाती है जिसे एसिटेबम कहते हैं यूजली लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन ऑफ थ्री बोन्स जहाँ पे ये तीनों बोन्स यूनाइट हो गई हैं तो दरमियान में एक डिप्रेशन एगाइज हो गई है उस डिप्रेशन को नाम दिया जाता है किसका एसिटेबोगम का नेक्स्ट uh, uh, dream uh, है जी द्रीम ऑफ ड्रीम्स ऑफ ऑफ आर फंडामेंटलीगर फोर एंड हाइंडो एग आई सिमिगर होती हैं फोक एंड हाइड वो कहते हैं इनके स्ट्रक्चर को देखें तो आलमोस्ट जो है मिलते जुलते हैं नेक्स्ट है जी दटकापोर्ट गेम्प इस प्रीमेटिवली पेंटाडेक्टाइल पेंटाडेक्टाइल मीन क्या इसका मतलब है पांच उंगलियां होती हैं टेटापोर्ट की जो गेम्प है ना उसमें पांच उंगलियां होती हैं रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मेनी वेरिएशंस फ्रॉम द प्रमिटिव कंडीशन दैट आर इनकाउंटर यूजली तो पाँच होती है लेकिन तो कुछ जानवरों को देखें तो उसमें किसी में तीन नज़र आती हैं किसी में हमें चार नजर आती हैं उसका ये उसके पीछे ये रीज़न होती है कि कुछ जो फिंगर्स हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं फ्यूज होने के बाद वो बज़ाहिर हमें एक ही डिजिट नज़र आ रहा होता है तो ये यह यहाँ पे इस सेंटेंस का ये मीनिंग कन्वे हो रहा है कि रिडक्शन एंड फ्यूजन अकाउंट्स फॉर मैनी वेरिएशन फ्राम द प्रमेटिव कंडीशन दैट आर इनकाउंटर्ड फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मेमिरियन वोकोमोशन दैग्स प्रोजेक्ट बनीत द बॉडी मेम्स में लेग्स बनीथ द बॉडी प्रोजेक्ट आउट होती हैं प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव स्पोर्ट इन रनिंग मेमल्स स्ट्राइड लेंथ एंड पावर आर इंक्रीज बाई दाइन फर्स्ट फारवर्ड विद दिम्स जो रनिंग मेमल्स होते हैं उनकी बॉडी जैसे स्पाइन की तरह होती हैं नेक्स्ट है जी इन दिस वे द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई द बैक मसल इज ट्रांसमिटेड टू द ग्राउंड नेक्स्ट है जी फ्लाइट हैज इन थ्री टाइप्स ऑफिब्रेड ने इन टैगोड बर्ड्स एंड बैट्स ये तीन टाइप के उन्होंने बर्टिबेट्स बताए हैं जिसमें फाइट इवॉल्व हुई है तो मेकनिज्म भी उनके अकॉर्डिंग होंगे टेरोडेक्टाइज हैं बर्ड्स एंड बैट्स इट इन्वॉल्व फार मो मस्क्यूअर एफर्ट देन स्विमिंग एंड वॉकिंग आर रनिंग डेफिनेटली एयर में रहने के लिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एयर का डेंसिटी कम होती है बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि बाल्स हैं टेगोडेगटा बैट्स हैं तो उसको उसमें रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की नीड होती है टू जेनरेट सफिशेंट लिफ्ट टू रिमेन इन एयर बॉन्ग अ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म मस्ट है विद अ लार्ज सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द एयर एंड मस्ट बीट इट्स विंग्स पावरफुल यानी कि उसके पावरफुल विंग्स होनी चाहिए उस एनिमल के एयर में रहने के लिए और इसके अलावा उसके जो विंग्स हैं उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि मैक्सिमम एयर को स्ट्राइक उससे हो सके द सकेटन ऑफ बर्ड इज हाईली मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट इम द मोर ऑबियस द एनवाइट ऑफ द पेक्टोर गर्डर एंड द डिवेलपमेंट ऑफ स्टर्गनम टू फार्मा मै सेव की फॉर द अटैचमेंट ऑफ़ फाइड मसल्स ये वही बात जो हम पहले अभी बर्ड्स में भी डिस्कस कर रहे हैं एडप्टेशन में कि इनके जो पैक्टोर गर्दर हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइट के लिए और इसके बाद जो इनकी स्टर्गनम होती है वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाती है की बन जाती है द सुपरा कोका कोईड मसल्स ये खास किस्म के मसल्स हैं सुपरा कोगा कोई द सुपर कोका कोईड मसल्स प्रोवाइड पावर फॉर द अपवर्ड स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक अप अपवर्ड स्ट्रोक का मतलब होता है ऊपर की साइड पे जो मूवमेंट होती है इनकी द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ द सुपरा कोवाकाइड मसल्स एन ओपनिंग द फोरम एन ट्राइजन अब टेंडन क्या होता है बेटा एक्चुअली दिस इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू द मसल्स अब मसल्स उन्होंने बताया कि सुपरा कोवा हैं और इस सुपरा कोवा के साथ डिफरेंट बोन्स अटैच होती हैं वो बोन्स कौन सी हैं वो बोन्स हमारे पास हैं जी क्रेविकल बोन है इसी तरह से ह्यूमरस है और स्कैपा ये तीन बोन्स जो हैं वो इस मसल के साथ अटैच होती हैं द रिफ्टिंग इसको इस स्टेटमेंट को अगेन देखते हैं द रिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ द सुपरा कोवाकाइड मसल्स पासिस थ्रू एन ओपनिंग The foramen triosum formed between the scapula, coracoid, and clavicle bones and is attached to the upper surface of the humerus. The number of bones is reduced as compared to those in the limbs of other vertebrates, and many bones are fused together to increase strength. Next stage is the shape of the wings. ग्रेटली इंफ्लुंस द स्पीड एंड द टाइप ऑफ फ्लाइट विच कैन बी एचीव यानी कि जो विंग्स की शेप होती है और जो टाइप <coughs> ऑफ फ्लाइट होती है उनका आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है फॉर एग्जाम्पल रॉन्ग नैरो विंग्स लाइक दोज ऑफ गर्ल्स एंड अदर्सी बर्ड्स आर आइडिया फॉर ग्लाइडिंग इन टू विंड बाई शॉर्ट ब्रॉड विंग्स लाइक दोज ऑफ मैनी गार्डन बर्ड्स आर इफेक्टिव फॉर स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट यानी कि डिपेंड करता है कि बल्ब ने कितना ऊपर फ्लाइट फ्रा, करनी है कुछ वॉकिंग बल्बस भी होते हैं जैसे कि कीवी हो गया आ, तो उनमें उन जो एडप्टेशन होती हैं उनके मॉड ऑफ रोक मोशन के अकॉर्डिंग ही होती हैं बैट्स है क्वाइट बैट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग बोन्स बट शो ऑफ पेर रेंज ऑफ एडाप्टेशन फॉर फ्लाइट बैट्स जो है उसमें डिफरेंट ही उनके जो विंग्स होते हैं ना वो फ्रेशी होते हैं फ्लैशी फ्रेश मतलब आ, आ, कह सकते हैं कि वो उसके बने हुए होते हैं गोश्त के बने हुए होते हैं फीतर्स के नहीं बने हुए होते सो दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है हाँ कह सकते हैं कि जो उनका जो है अरेंजमेंट बोन्स की वो कुछ हद हाँ तक मिट्टी जो है बर्ड से ब्रेक, ब्रेक उनका जो ऊपर वाला फ्रैप होता है वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू बर्ड्स थैंक यू सो मच फॉर योर एयर एंड लेट्स होप यू शुड आई होप दैट यू शुड हैव इन्जॉय दिस लेक्चर थैंक यू